हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ डॉक्टर रविंद्र धोटे फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ डॉक्टर धोटेज अकेडमी लातूर तो बेटा मैं आज आपके सामने इसलिए आया क्योंकि वी आर वेरी हैप्पी टू अनाउंस द लॉन्च ऑफ फाउंडेशन कोर्स ब्रिज कोर्स फॉर स्पेशली टेंथ टू इलेवेंथ मूविंग स्टूडेंट्स तो इसी फाउंडेशन कोर्स के बारे में एक छोटी सी जानकारी छोटे से वीडियो के थ्रू सबसे पहले कई बच्चों को यह सवाल उठता है कि वॉट इज फाउंडेशन कोर्स बेटा कभी अगर आपने देखा होगा सुना होगा कि जब भी कोई इमारत बनती या घर बनता है तो घर बनाने से पहले ज़मीन में डीप बहुत बड़ा पिट गड्ढा किया जाता है और वहाँ पर एक फाउंडेशन बनाया जाता है जिसके ऊपर इमारत खड़ी होती है तो अगर आपको अपने सक्सेस की इमारत आपने करियर की इमारत बहुत ऊंची करनी है तो उसके लिए फाउंडेशन द बेस वो पक्का रहना बहुत जरूरी है अगर आपने बहुत लंबी इमारत बना दी लेकिन नीचे का जो बेस है फाउंडेशन है वो कच्चा है तो कभी ना कभी आपकी इमारत डगमगाएगी और वो गिर जाएगी तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने करियर में हमेशा सक्सेस की इमारतें बनाते रहिए तो इसीलिए आपको फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना बहुत जरूरी है ये कोर्स दिखने में बड़ा छोटा होता है बहुत कम टाइम का होता है लेकिन जितना भी होता है वो आपके लिए बहुत जरूरी होता है स्पेशली मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूं जो आगे चल के मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स देने के लिए इच्छुक है या फिर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स देने के लिए इच्छुक है टेंथ तो आप पास हो चुके हो बेटा लेकिन टेंथ से इलेवंथ तक का जो सफ़र होता है ना गिन के बीच में एक या दो महीने गैप होता है वो गैप को फिल करना बहुत ज़रूरी है टेंथ में जो पढ़ाया जाता है उसके हिसाब से इलेवेंथ में जो कनेक्टिविटी है वो बनाना बहुत जरूरी है टेंथ हम लोग अलग अलग बोर्ड्स के थ्रू आते हैं जैसे सी बी एस सी बोर्ड स्टेट बोर्ड आई सी एस सी बोर्ड डिफरेंट बोर्ड्स वी हैव लेकिन जब आप इलेवंथ में पहुंचते हो तो आपको इलेवेंथ ट्वेल्थ इसके बाद एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देनी पड़ती है स्पेशली फॉर मेडिकल दैट इज़ अ नीट एग्जाम एंड फॉर इंजीनियरिंग दैट इज़ अ आई आई टी जे डब्ल्यू एग्जाम्स अब ये जो नीट और आई आई टी एग्जाम्स है इनका करिकुलम और इनका पैटर्न पूरा अलग होता है और आपका टेंथ का पैटर्न पूरा अलग होता है बच्चों तो 10th का कनेक्शन नीट के साथ बनाना टेंथ का कनेक्शन जेडब्ल्यू .E. के साथ बनाना यह होता है फाउंडेशन कोर्स अगर आपने फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया तो इसमें आप समझ लीजिए कि आपने अपनी जो होते आधी जर्नी टूवर्ड्स योर गोल्स द हाफ वे आपने अचीव कर लिया बेटा और फाउंडेशन कोर्स वैसे सब लोग लेते हैं लेकिन हमारा जो फाउंडेशन कोर्स है वो यूनिक है उसमें हम आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये पूरा क्लियर करते हैं ताकि जब आप इलेवंथ के क्लासरूम में जाके बैठते हो तो आप बिल्कुल ब्लैंक नहीं रहते हैं जो बच्चे बिना फाउंडेशन कोर्स के आते हैं उनको थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आप लोग उनसे आगे बढ़ चुके रहते हैं क्योंकि ये जो टेंथ से एलेवंथ के बीच का समय है वो समय आपने यूटिलाइज किया है वो समय आपने वेस्ट नहीं किया है उस समय में आपने पढ़ाई की है और प्रॉपर चैनल के थ्रू पढ़ाई की है डॉक्टर धोटेज अकेडमी के फाउंडेशन कोर्स के थ्रू पढ़ाई की ये कोर्स की फीस मात्र पांच हज़ार रुपए बेटा ओनली फाइव थाउजेंड रुपीज़ जिसमें आपको तीनों सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज दिया जाएगा वीकली एग्जाम्स ली जाएगी ये कोर्स मैक्सिमम वन टू वन एंड हाफ मंथ का होता है बेटा अब इस कोर्स से रिलेटेड अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आर मोबाइल नंबर ओके बच्चों मैं इतना ही बता दूं कि जो पाँच हजार रुपये आप भरने वाले हैं अगर आप हमारे पास इलेवेंथ में एडमिशन लेते फॉर द ईयर लॉन्ग कोर्स फाउंडेशन के आगे का जो कोर्स आता है तो ये 5000 उस फीस में से माइनस कर दिए जाएंगे इसका मतलब है कि ये 5000 हज़ार एक तरह से आप अपने इलेवंथ की ही एडमिशन की फीस भर रहे हो फाउंडेशन कोर्स तो आपको बिल्कुल फ्री में चल रहा है बेटा तो मैं चाहता हूं कि आप इस फाउंडेशन कोर्स के बारे में और भी जानकारी हमसे लीजिए और मैं जरूर चाहता हूँ कि आप सभी के सभी बच्चे जितने भी पेरेंट्स स्टूडेंट्स मेरा वीडियो देख रहे हैं फाउंडेशन कोर्स जिसको एक और नाम दिया जाता है ब्रिज कोर्स उसे डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए